जिगर मंच पर बुधवार को अल्ताफ रजा नाइट में उनके गीतों ने सभी को उत्साहित कर दिया। दर्शक इतना मग्न हो गए कि वो कुर्सियों पर खड़े होकर थिरकने लगे। अल्ताफ रजा के सदाबहार गीतों और शुरूर ऐसा चढ़ा कि दर्शकों को काबू करने के लिए पुलिस को बहुत कोशिश करनी पड़ी। जिला कृषि विकास औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी में अल्ताफ रजा नाइट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री दिलशाद हुसैन और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदर्शनी सचिव ऋतुषा तिवारी ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अल्ताफ रजा ने मंच पर आते ही समा बांध दिया। उन्होंने अपने सदाबहार गीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया। दर्शक भी उनके गीतों का भरपूर लुत्फ उठाते नजर आए, अभिवादन तालियां बजाकर किया। अल्ताफ ने मंच पर आते ही आवारा हवा का झोंका हूं गाया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अल्ताफ ने एक के बाद एक बॉलीवुड के सुपरहिट गीतों से रात को रंगीन कर दिया। सुरीली आवाज से अल्ताफ ने जिस गीत को भी गाया उसे अपना बना लिया। जब तुम तो ठहरे परदेसी गाया तो मानो दर्शक दीर्घा में मौजूद युवा कुर्सियों पर खड़े हो गए और डांस करते दिखे। उन्होंने पर्दा है पर्दा हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने आदि गीतों की प्रस्तुति दी। इसे पूर्व गायिका दिखा अग्निहोत्री ने भी अपने सुरों से शहरवासियों को जादू दिखाया। दिशा ने अपने गीतों से सभी को दीवाना बना दिया। प्रदर्शनी प्रभारी राहुल शर्मा, अतुल जौहरी, राहुल शर्मा, सुशील शर्मा आदि इस दौरान मौजूद रहे। Lord.
पशेमानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती और आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ऐसा लगता है उन्हें इश्क हुआ है शायद, ऐसा लगता है उन्हें इश्क हुआ है शायद, क्यों सामना होते ही साथ क्या
किचे में रहते हो क्यों, किचे किचे में रहते हो, ध्यान किसका है जरा बताओ दो, ये इम्तिहान किसका है, खिचे खिचे में रहते हो, ध्यान किसका है जरा बताओ तो, ये इम्तिहान किसका है, हमें भुला दो, हमें भुला दो, मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पर पुराना मकान किसका भी मौजूद है। गम की धूप में देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे, अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। जनता को सबसे पहला तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं करीब पाँच छः बार आया हूँ मुरादाबाद, दो तीन बार शादी में आया हूँ, इधर जिगर मंच पे भी दूसरी बार है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों के बीच आज भी मौजूद हूँ मैं, और आज जो कुछ भी हूँ मेरे मम्मी अब्बा की दुआओं के बाद ये जनता ही है जो आज मुझे इस मकाम पर पहुँचाई, तो मुझे बेहद खुशी है। आज क्या सुनने वाले हैं मुरादाबाद के लोग आपके मुख से? सब सुनेंगे, आवारा हवा का झोंका हूँ, पहले तो कभी कभी गम था, जा बेवफा जा, यारो मैंने पंगा ले लिया, तुम तो ठहरे परदेसी, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, और हम वो दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। अच्छा, आजकल जो नई युवा पीढ़ी आ रही है बॉलीवुड में कहें या सिंगिंग, उनके लिए किस तरीके का मैसेज देना? सब अच्छे अच्छे आ रहे हैं, टैलेंटेड पीपल्स आ रहे हैं, और अच्छा उनमें फ़न है, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, और ख़ुशी होती है जब, क्योंकि हमें अपना दौर याद आ जाता है कि हम जब कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, लेकिन उस वक्त एल्बम का दौर था, तो हमें एल्बम के ज़रिए अपना फ़न दिखाने का मौका मिल गया, और उनके लिए आज टीवी प्लेटफॉर्म है तो ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ते बना देता है। कुछ युवा पीढ़ी ऐसी है जो बिना प्रशिक्षण के इस बॉलीवुड में कदम लगा रही है? अब वो तो उनका अपना लुक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये तो संगीत ऐसा है कि इसमें जो दिल से रियाज करेगा, जिसमें लगन होगी, वही कामयाब होगा। प्रशिक्षण जरूरी है? जरूरी है। अल्ताफ साहब, आपके एल्बम तो काफ़ी आ चुकी है, कितनी फिल्मों में अब तक आप?
पता नहीं मुझे भी, मैं करीब 200 फिल्मों में मैंने गाया हूँ। कितनी? 200 फिल्मों में। जी, मशहूर फिल्में कौन सी हैं? शपथ है, कंपनी है, मर्द फिल्म है, चंडाल है, मदर है, हंटर है, घनचक्कर है, बहुत सी फिल्में गीत या गजलों के क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, गीत और गजलों के खास बोल आपके क्या थे? समझा नहीं मैं, अब इतना तो मैं तफसील में अभी इस वक्त बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी दो चार बता दीजिए। जी, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, और अपना कर लो प्यार, और रम वोड का ठर्रा बियर, ये चीज़ें हैं रिस्की, पीलो इश्क दी विस्की, ये ऐसे ऐसे गाने हैं। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। क्या कुछ नई फिल्म आपकी आने वाली है? क्या आने वाले समय में क्या कुछ नया आप लाने वाले हैं? नई फिल्म अभी अभी मेरा MTV पे चल रहा है, एक्सक्यूज मी सॉन्ग, स्प्लिट्स विला का जो प्रोमो है, प्रोमोशनल सॉन्ग चल रहा है, और भी है रिकॉर्डिंग्स, उसके अंदर अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ। धन्यवाद। ठीक।